हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में। आज है 9 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने गोलगप्पे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किसने लगाया है? तो नेपाल ने लगाया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 जुलाई को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो 6 महीने कर दिया है। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ये किससे दिए हैं? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से। और अब केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किसे बनाया गया है? तो स्मृति ईरानी को इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रूस ने, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा, 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के अधिकारियों ने वरुआमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? तो वह कौन सा देश है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजम की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यह किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से संबंधित है, ठीक है। और कहाँ पर इसे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की बात की जाएगी तो आप लगाइएगा हैदराबाद। कहाँ पे? तो हैदराबाद में किया गया है। और यह रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो बनाया जा रहा है हैदराबाद में, यह रामानुजाचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की, वह 216 मीटर है। आप इसे याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में बन सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सरकार ने देश के भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो यह किस देश ने की है? तो यह इटली ने किया है। क्योंकि पो नदी जो है ना, ये कहाँ पे है आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि पो नदी कहाँ है? तो पो नदी इटली में है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है और कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने लाल चींटियों से बनी काई चटनी, कौन सी चटनी? तो काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है, यह उड़ीसा सरकार ने किया है। आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल पे दे दिया जाता है, तो आप वहां से PDF निकलवा के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वाहिली भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 7 जुलाई को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। यानी कि हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस यानी कि वर्ल्ड किस्वाहिली डे मनाया जाता है। किस्वाहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। किस्वाहिली भी एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ के आधिकारिक भाषा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, संजीव पुरी को चुना गया है, ठीक है। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो आर दिनेश हैं, ठीक है। यानी कि TVAS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी को चुना गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बजाज फिनवर
फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? तो संजीव बजाज है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उनमें से पहला क्या है कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो सुमन का क्या नाम है, मनोज सोनी है। सुमन बेरी कहाँ के हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को बनाया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैंने करा दिया है, आप उस क्लास को जरूर देखते रहिएगा क्योंकि इन्हीं नियुक्तियों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? और ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है गीता गोपीनाथ, यानी कि भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। अगर ये दूसरी भारतीय बनी है तो पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय रघुराम राजन है, जो 2003 और 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। गोपीनाथ को, यानी कि गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पिछले साल आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। आप इन्हें याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रार्थना बत्रा। और ये प्रार्थना जो बत्रा है ये एक यूट्यूबर भी हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी रह गई है? तो याद रखिएगा 224.3 मिलियन घट के रह गई है, यानी इसमें भारत ने कुछ सुधार किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की 224.3 मिलियन कुपोषित लोगों की आबादी में कमी आई है। हालांकि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी हमारे देश में वयस्कों में मोटापा बढ़ता जा रहा है और हमारी जो देश की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनमें एनीमिक समस्या यानी एनीमिया की समस्या में वृद्धि हुई है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFD यूनिसेफ विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया था, 2021 में दुनिया भर में 828 मिलियन लोग भूखे से पीड़ित थे। आप इसे याद रखिएगा कि अभी कितने लोग मिलियन, मतलब 2021 में 828 मिलियन लोग भूखे से पीड़ित थे, जो 2020 के लगभग 46 मिलियन और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद 150 मिलियन ऊपर था, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा नई दिल्ली। इसे याद रखिएगा कि नई दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और फेस्टिवल में इंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। यह अब तक के सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, ठीक है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो इनका नाम क्या है? शिंजो आबे। और इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। ये जो जब प्रधानमंत्री थे तो जापान के और भारत से बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। खासकर ये मोदी जी के बड़े बड़े फेवरेट थे, मोदी जी को बड़ा पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनको क्या किया गया है, नारा शहर में भाषण देने के दौरान ये इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और यह 2020 में इस्तीफा देने से पहले जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इस चीज भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे,
तो ये सिंजो आबे ही रहे हैं, ठीक है। और यह 1930 के बाद, 1930 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जापान के प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या की गई है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो ये कहाँ पे किया है, तो वाराणसी शहर में किया है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी अपने संसदीय वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान आए प्रधानमंत्री ने 1774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके लिए इसमें से 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास जबकि 553.76 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरंग सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, या किसका दिया गया है, तो इस्पात और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, यूपी में है, तो गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा 2415 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है, यानी कि भारत सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। भारत माला परियोजना के तहत यह सड़क D&D यानी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर हवाई अड्डे को जोड़ेगी। सड़क परियोजना एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 31.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल से पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने पूरे पूरे साल के करंट अफेयर यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो ये किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो सुरंजन दास के द्वारा संपादित किया गया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो यह महासागर के संरक्षण से संबंधित है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार के क्वेश्चन है। किस देश के गणितज्ञ मैरिना विया जो वास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है, तो ये कहाँ की है, तो ये यूक्रेन की है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अबीवा इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो ये बने असित रथ, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, तो यह इंडोनेशिया में लिया है। तो यानी कि G20 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ, लेकिन G20 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो इनका नाम क्या है, जयश्री उल्लाल। ये याद रखिएगा कि जयश्री उल्लाल को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने फोर्स कमांडर कौन बने हैं, तो यह बने हैं मोहन सुब्रमण्यम, इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है, आप इसे भी याद रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो यह वाराणसी में किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ कमीशन किया है, किसने कमीशन किया है, तो ये भारतीय नौसेना ने किया है, आप इन्हें भी याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर मोटरवे का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यह 75 किलोमीटर बनाकर रिकॉर्ड बनाया है।
और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है, तो यह कृति सेनन ने जीता है। किसके लिए जीता है, तो मिमी फिल्म के लिए जीता है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जो पीडीएफ मिलता है उसको या तो निकलवा लीजिए, और ये जो मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूँ इसको बार बार आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।